एंटरप्रेनर्स या महिला उद्यमी एक महिला या महिलाओं का समूह होता है जो किसी भी बिजनेस को इनिशिएट या रन करती है। भारी संख्या में सशक्त महिला यानी जो एंटरप्रेनर्स हैं, उनके होने के बावजूद हमारे देश में जो वुमेन एंटरप्रेनर्स का जो संख्या है, जो काउंट है, वो काफी कम है। प्रत्येक 100 भारतीय उद्यमियों में यानी 100 एवरी 100 एंटरप्रेनर्स में केवल 7 7 ही वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एक ऐसा सेक्टर है जहां वुमेन लीडरशिप की तादाद ज्यादा है। 63 मिलियन एमएसएमईज में से 8 मिलियन ऐसे एमएसएमईज हैं जो कि वुमेन लेड बिजनेसेस हैं, यानी जिनके बागडोर किसी ना किसी महिला के हाथ में है। लेकिन अब ये सिनेरियो थोड़ा बदल रहा है। इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, साथ ही साथ वी वुमेन हैव गॉट बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, अर्बनाइजेशन है, स्प्रेड ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कल्चर है, रिकॉग्निशन बाय सोसाइटी है। तो इन कारणों के चलते इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में काफी तेजी देखी गई है और साथ ही साथ वुमेन ओन्ड बिजनेसेस एक दूसरे को एंटरप्राइजेस को इंस्पायर करते हैं और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे होते हैं, धीरे धीरे ये हमें एक बेटर लेवल, एक सोशल और एक इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर की तरफ लेके जाता है। दुनिया भर में वुमेन एंटरप्रेनर्स को पहले काफी क्लेम्स नहीं मिलते थे, लेकिन आज उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स के रूप में देखा जा रहा है। मेरी सर्कल में हम ऐसे ही चुनिंदा वुमेन एंटरप्रेनर्स से बातें करने जा रहे हैं अपने टॉप वुमेन एंटरप्रेनर्स ऑफ द हेल्थ केयर सीरीज में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला वुमेन एंटरप्रेनर को इंस्पायर कर सके और उन्हें अपने अंदर जो भी काबिलियत है, टैलेंट है, उसे बाहर लाने की कोशिश कर सके। हर एक एंटरप्रेनर की जर्नी बिल्कुल ही आसान नहीं है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। ये स्टोरीज हमें इंस्पायर करती है और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में वो वैल्यू, वो महत्व लाने के लिए काफी हद तक आगे बढ़ाने के लिए हमें इंस्पायर भी करती है और साथ ही साथ इन्फॉर्म भी करती है कि कितने तरह के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हेलो, मैं हूँ स्मिता कुमार और आज इसमें हम बातें करने जा रहे हैं डॉक्टर रचिता नरसारिया जी से। डॉक्टर रचिता इज द फाउंडर ऑफ स्पेलबाउंड आईएनसी मुंबई। इट्स वन ऑफ द काइंड हेल्थ केयर कॉन्टेंट कंसल्टेंसी दैट इज फिल्ड बाई डॉक्टर्स फॉर द हेल्थ केयर एंड वेलनेस इंडस्ट्री। एज अ स्टेट कोर्ट मेडलिस्ट एंड एकेमेटेशन शी शिफ्टेड गियर्स टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप सीइंग दैट देयर वाज अ ह्यूज गैप इन कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स। Spellbound INC works with all leading pharmaceutical MNCs and healthcare tech firms to bridge this gap, and its services include content solutions, digital solutions, and doctor and patient education. Hello and welcome to MediCircle, Dr. Rachita. Thank you, Smita. Thank you very much for the kind words. It's great to be invited to this platform. Thank you for inviting me to this platform, where hopefully I can reach out to a lot of brilliant women in this country and who have a spark in them, but they need a little bit of push maybe, and maybe this series will help do that. Surely. इसमें सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर रचिता कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को? Smita, as a healthcare content expert, मेरा और मेरी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा है कि जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स अपनी भाषा में बात करते हैं, पेशेंट्स अपनी भाषा में समझते हैं, और इन दोनों चीजों के बीच में काफी हद तक बड़ा गैप होता है। पेशेंट्स काफी लॉस्ट फील करते हैं जब डॉक्टर्स कोई चीज की डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट बताते हैं और उसको किस तरह से अपने जीवन में अप्लाई करें, किस तरह से समझें, उस चीज का चैलेंज वो फेस करते हैं। उस चैलेंज को हर दिन अपने लाइफ में, अपने इन एंड अराउंड फ्रेंड्स फैमिली में देखते हुए मुझे लगा कि किसी को जरूरत है टू स्टेप इन एंड ब्रिज दिस कम्युनिकेशन गैप। वहीं से स्पेलबाउंड इनकॉर्पोरेटेड की आइडिया मुझे आई एंड अब 7 साल से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ वर्क करके और हेल्थकेयर टेक कंपनीज के साथ वर्क करके हम ये गैप ब्रिज करें।
जी, कई बार जो डॉक्टर की भाषा होती है वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। आई थिंक स्वेन टापाउंड इस गैप को दूर करने की काफी हद तक कोशिश कर रहा है। डॉक्टर रचिता, एंटरप्रेन्योरशिप हैज इट्स ओन स्ट्रगल्स, बीइंग अ वुमन इट डेफिनेटली एड्स टू इट, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक वुमन एंटरप्रेन्योर होने के कुछ फायदे भी हैं? जैसे आपने कहा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो वुमन एंटरप्रेन्योर होने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ चैलेंजेस ज्यादा भी हैं जो नॉर्मली शायद मेन फेस नहीं करते, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे सोसाइटी एक्सपेक्ट हैज सर्टेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ वुमन। आप मदर हैं, आप डॉटर हैं, आप डॉटर इन लॉ हैं, आप वाइफ हैं, तो आपके कुछ और एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम अ मैन, विच अ मैन डज नॉट हैव। तो पहले तो मैं कहूँगी कि व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस लाइक आई सेड कि आप भले ही कितने भी सक्सेसफुल हो रहे हो प्रोफेशनल फील्ड में, कहीं ना कहीं सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आपके जो पर्सनल और सोशल रोल्स हैं वो पूरी तरह निभाएं। उस वहां पे आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है। तो आई थिंक बहुत औरतें ये रिलेट करेंगी इस बात को कि भले वो ऑफिस में 10 hours वर्क कर रही हो या 12 hours वर्क कर रही हो, दे आर एक्सपेक्टेड टू गो बैक होम एंड कंप्लीट देयर रोल्स एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ एटसेट्रा। तो ये चैलेंजेस ये मुझे भी हुए, बट आई वॉज लकी टू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, वेरी सपोर्टिव सेट ऑफ इन-लॉज, अ वेरी एक्सट्रीमली सपोर्टिव हस्बैंड, जिसके कारण मैं मेरी जर्नी कंप्लीट कर पा रही हूँ और आगे बढ़ा पा रही हूँ एंड टेकिंग इट टू नेक्स्ट हाइट। ये थे मेरे चैलेंजेस। बट जैसे आपने पूछा कि बींग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, एंड आई थिंक ये बेनिफिट्स हम वुमेन वी आर यू नो, हमको ये बहुत एडवांटेज है ओवर मैन कि वुमेन हैव अ लॉट ऑफ एम्पथी। वुमेन दूसरों की पोजिशन बहुत अच्छी से समझ सकती हैं, आप मेरी पोजिशन बहुत अच्छी से समझ सकते हैं, और जब जब वुमेन काम करती हैं तो उनकी जो टीम होती है वो उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी से समझती हैं, उनको नर्चर कर सकती हैं, और दे डोंट ट्रीट देयर टीम जस्ट लाइक अ मशीन, दे ट्रीट देयर टीम लाइक पीपल हु आर पार्ट ऑफ द टीम। एंड आई थिंक इसीलिए वुमेन लेड टीम्स आर मोर सक्सेसफुल, दे आर मोर यूनाइटेड, दे आर मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज वो एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं और वो एक दूसरे की मदद ज्यादा कर पाते हैं इसीलिए। तो ये मुझे लगता है कि हमारा सुपर पावर है जो वुमेन के पास होता है, और इसको कमजोरी नहीं मानते हुए हमको एज अ सुपर पावर यूज करना चाहिए इन आर प्रोफेशन। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड इज मैंने जब किसी डॉक्टर से बात की थी एक इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर बीसी रॉय ने सारे डॉक्टर्स को यही सजेशन दिया था कि आप कोई भी पैथी प्रैक्टिस करो, एलोपैथी करो, होम्योपैथी करो, बट यू मस्ट हैव सिंपैथी एंड एम्पैथी फॉर द पेशेंट्स। ये बहुत जरूरी, यानी हेल्थ केयर में वुमेन में जो एम्पैथी है जो नेचुरली है, उसे कमजोरी न मानते हुए, उसे एक एडेड फीचर मानते हुए, उसे एक मजबूती मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हम टीम्स को मेंटर कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को बेटर सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो डॉक्टर रचिता ने उठाया। डॉक्टर रचिता, इस जर्नी में आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा है? जैसे आपने बताया, डेफिनेटली फॉर ऑल सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देयर इज अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल सपोर्टिव फैमिली। वो आपके इन-लॉज हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, एक पूरी की पूरी टीम हो सकती है जो आपको पीछे से बैक कर रही होती है, सो दैट यू कैन गो एंड हेड ऑन एंड टेक व्हाटएवर चैलेंजेस इट्स कमिंग ऑन योर वेज। सो व्हाट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन क्या रहा है इन पूरे 7 सालों के जर्नी में? माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी, दादी ने सिर्फ 3rd standard तक पढ़ाई की और गांधी जी के लड़ाई के टाइम वो आगे 4th standard कंप्लीट कर नहीं पाई और उसके आगे की कुछ भी पढ़ाई कर नहीं पाई।
उस जमाने की भी वो थी जहाँ पे लेडीज को पढ़ने के लिए इतना ज्यादा पुश नहीं करते थे फैमिली सोसाइटी वगैरह, तो उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की. बट शी वॉज सो स्मार्ट, वो अपनी पूरी अपने फादर की फैक्ट्री का पूरा अकाउंट्स, सिर्फ थर्ड स्टैंडर्ड एजुकेटेड गर्ल पूरा अकाउंट्स करती थी. तो एंड शी वॉज माई बिगेस्ट मोटिवेशन के एजुकेशन हो या नहीं हो, इंसान अगर कुछ करना चाहता है वो कर सकता है. एंड शी वॉज माई बिगेस्ट मोटिवेशन, शी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्टर, माई मेंटोर, माई आई वुड से जब भी मुझे ऑब्स्टिकल्स आए तो यू नो आई टुक हर हर एज अ रोल मॉडल टू मूव अहेड ऑफ दैट ऑब्स्टिकल. और वो चैलेंज को मैंने सोचा अगर वो कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं कर सकती. वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मुझे तो भगवान की दया से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने का अवसर मिला है, तो अगर वो सीख सकती थी तो मैं क्यों नहीं सीख सकती. तो वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी. और वो ही, और दूसरी सबसे बड़ी मेरी रोल मॉडल और मोटिवेशन रही है इंदिरा नोई, हु इज एक्स सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ पेप्सिको. एंड बीइंग फ्रॉम अ टिपिकल इंडियन फैमिली, उन्होंने भी बाकी इंडियन औरतों जैसे चैलेंजेस फेस किए, बट शी ओवरकेम देम वेरी ब्यूटिफुली, वेरी ग्रेशियसली. तो वो हमेशा मेरी रोल मॉडल रही है. तो ये दोनों औरतों का एग्जाम्पल मेरे आगे रखे, मैं हर ऑब्स्टेकल को क्रॉस की हूँ. और यही एग्जाम्पल मैं सबको देना चाहूंगी कि अगर अगर कोई बिना पढ़ी लिखी औरत अगर किसी फैक्ट्री का अकाउंट्स पूरा संभाल सकती हैं सिर्फ अपनी मोटिवेशन, सिर्फ अपनी चाह से कि मैं करना चाहती हूँ हेल्प और मैं सीखूंगी और मैं करूंगी, तो आप कोई भी हो, कहीं पर भी हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. यू जस्ट नीड हार्डवर्क एंड डेडिकेशन. That's a beautiful advice coming from Dr. Rachita Narsaria, जिनसे आज हम टॉप वुमेन एंटरप्रेनर्स में बातें कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्पेल बाउंड किस तरह से डॉक्टर्स एंड पेशेंट कम्युनिकेशन को इजी कर रहा है. थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर रचिता फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एट मेरी सर्कल. विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्पेल बाउंड ऑल द सक्सेस. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी स्मिता. थैंक यू सो मच.